हेलो फ्रेंड, आज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग YouTube स्टूडियो को सही तरीका से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब YouTube स्टूडियो को अच्छे तरीका से चलाना नहीं सीखोगे तब तक आपके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे, आपके वीडियो पर व्यूज नहीं बढ़ेंगे। आज हम YouTube स्टूडियो के दो सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को अगर YouTube स्टूडियो को चलाना है तो ये दो सेटिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का वीडियो में हम ये सारी चीज़ें हम बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर इस वीडियो में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक हम लाते रहते हैं। चलिए हम आज के वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ गए अपने YouTube स्टूडियो में और यहाँ से हम आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सही तरीक़ा से YouTube स्टूडियो को चला सकते हैं और YouTube स्टूडियो को सही तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। और आज आप लोग को इम्पोर्टेंट दो सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस सेटिंग से वंचित हो जाएगा तो आपके चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आना है अपने कंटेंट में, कंटेंट में यहाँ आना है और यहाँ से सबसे पहले अपना सेलेक्ट करना है बिजी, यहाँ दिखने को मिल रहा है विजिबिलिटी, इस विजिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, पब्लिश, यहाँ से पब्लिश सेलेक्ट करिएगा तो आपका जितना भी वीडियो है वो सब पब्लिक के द्वारा दिखा जाएगा या फिर पूरा यूट्यूब जो है पूरे लोगों को दिखाएगा, या फिर प्राइवेट करेंगे तो स्वयं ही देख पाएंगे, अनलिस्टेड करेंगे तो आप ही देख पाएंगे। तो ये आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों को पब्लिक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। यहाँ से हमारा जो वीडियो जितना भी है सब पब्लिश हो गया। उसके बाद से यहाँ कमेंट वाले सेक्शन में आना है, ये पहला सेटिंग हो गया। दूसरा सेटिंग है, यहाँ आप लोगों को कमेंट वाला सेक्शन में आना है, देख सकते हैं कि ये मेरे कितना सारा कमेंट, मतलब लोगों ने, ऑडियंस ने किया है कितना सारा कमेंट, सब कमेंट का हमने उत्तर दिए हैं कि क्या जो भी मतलब पूछे हैं तो सारी चीज़ें का हम जवाब दिए हैं। दूसरा सेटिंग है, इधर आइएगा आप लोग तो इधर आपको देखने को मिल, लोगों को दिख रहा होगा सब्सक्राइबर काउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइबर काउंट 100, सब्सक्राइबर काउंट 1000, सब्सक्राइबर काउंट 10000, सब्सक्राइबर काउंट 100000, सब्सक्राइबर काउंट 1 मिलियन, सब्सक्राइबर काउंट 10 मिलियन। सबका मतलब होता है कि अगर आपका चैनल पर जितना भी सब्सक्राइबर है वो हिसाब से आप यहाँ सब्सक्राइब काउंट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे जो नए क्रिएटर हैं उनका अगर 100, 50, 150, 200 अगर सब्सक्राइबर है तो वो यहाँ 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1000 से ऊपर है तो 1000 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 मिलियन से ऊपर है तो 1 मिलियन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम 10000 सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना छोड़ देते हैं। यहाँ आप लोगों को जब भी दिखेगा तो कभी भी ऑडियंस को दिखेगा कि 10000 सब्सक्राइबर से ऊपर है तो आपके वीडियो को कोई भी ऑडियंस देख पाएगी। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक हम लाते रहते हैं। जय हिंद।